हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इलेक्ट्रो वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, ये आज LG 43 इंच का टीवी आया है मेरे पास, जिसमें प्रॉब्लम देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। अब इसमें जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइन है वो परमानेंटली आ रहा है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो बीच बीच में आता है फिर चला जाता है। देखिए, नीचे का जो लाइन से वो हट जाता है बीच बीच में, लेकिन जो ऊपर का है वो परमानेंटली स्क्रीन पर फिक्स्ड है, वो हट नहीं रहा है। टीवी का मॉडल नंबर देख लेते हैं। ये 43 इंच का है, 43 LF513। ये स्मार्ट नहीं है, नॉर्मल है। ये पैनल मॉड्यूल नंबर देख लीजिए, HC430DUN, ये वाला मॉड्यूल यूज़ किया गया है इसमें। और जो टाइम कंट्रोल बोर्ड है ये LG का ही है, LG डिस्प्ले इसमें मेंशन किया गया है। अभी इस सेट में जो प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम के हिसाब से जो पैनल VCC 12 वोल्ट है वो, और जो LVDS सिग्नल से RX सिग्नल जो है वो सिग्नल, और 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये फुल मतलब सेक नहीं करना है हम लोग को, मतलब ये सब सही है। और VGL VGH भी सही होगा क्योंकि पिक्चर तो आ रहा है, फिर भी एक बार VGL को सेक करेंगे और VGH को सेक करेंगे। जो VGL वोल्टेज है एक बार देख लीजिए, -5.1 से लेकर 4.9 तक फ्लक्चुएट हो रहा है। और ये VGH वोल्टेज 28.2 आ रहा है, और 28.2 28.4, सो मतलब वन वोल्ट भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, ये तो चलेगा। लेकिन जो VGL वोल्टेज है वो थोड़ा फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हम CKV लाइन का वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि ये गेट लाइन रिलेटेड फॉल्ट है। ये जो CKV वोल्टेज देखिए, 7.7 7.8, ये इतना डिफरेंस नहीं हो रहा है। इसे 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट मिल जाएगा। ये 7.5 7.7, ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट पे देखते हैं, 7.8 7.7, ये सही है। उसके बाद 7.7, ये भी सही आ रहा है। ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, 7.5 से लेकर 7.7 तक जा रहा है। और टेस्ट पॉइंट पे देखते हैं, और टेस्ट पॉइंट पे जो है वोल्टेज सही मिल रहा है, लेकिन VGL जो है थोड़ा कम आ रहा है अभी भी। और इवन दोनों में सेम है, जो VGL है थोड़ा लो वोल्टेज बता रहा है। VGL टेस्ट पॉइंट पे देखिए, 4.8 से लेके 5.1 तक अप डाउन हो रहा है। मेनली जो VGL वोल्टेज है वही एबनॉर्मल आ रहा है अभी, 5.1 से लेके 4.8, ये इनके बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी लेफ्ट साइड का जो FFC केबल है, ये केबल टाइम कंट्रोल बोर्ड से रिमूव करेंगे। रिमूव करके सेट को ऑन करके देखेंगे, वोल्टेज जो 5 वोल्ट जो है, -5 वोल्ट VGL वोल्टेज को स्टेबल होता है क्या नहीं होता है देखेंगे, क्योंकि कहीं पे शॉर्ट रहने से, आगे शॉर्ट रहने से ही वोल्टेज इसे ज़्यादातर फ्लक्चुएट होता है। ये जो VGL है ये टेस्ट पॉइंट 5 नंबर पे है, ऊपर साइड 5 नंबर पे है। ये अभी भी देखिए, FFC केबल ओपन करने के बाद भी सेम कंडीशन है, -5.1 और -4.8, इस बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। और इवन वोल्टेज जो टाइम सीक्वेंस के बीच में चेंज होता है, उस हिसाब से ये VGL वोल्टेज जो है वो टाइम सीक्वेंस सेम है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये बात हम लोग मान सकते हैं, जो VGL वोल्टेज है इंटरनली कहीं पे और इवन के साथ शॉर्ट हो सकता है। ये FFC दोबारा रिकनेक्ट कर देते हैं, और जो राइट साइड का FFC है नेक्स्ट टाइम वो ओपन करके देखेंगे वोल्टेज स्टेबल होता है क्या नहीं होता है, और इंटरनली कहीं पे शॉर्ट होगा तो वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा।
दोबारा पावर देके सीट को ऑन करके चेक करेंगे वोल्टेज को। VGL टेस्ट पॉइंट पहले चेक कर लेते हैं जो एबनॉर्मल आ रहा था थोड़ा। ये देखिए अभी -5.1 स्टेबल वोल्टेज आ रहा है। राइट साइड का FFC ओपन करके ऑन करने के बाद ये VGL वोल्टेज स्टेबल हो गया और जो CK भी वोल्टेज है वो भी 7. उस टाइम 7.5 से लेकर 7.7 तक फ्लक्चुएट हो रहा था, अभी स्टेबल हो गया है। ये राइट साइड का जो TFT के अंदर गेट लाइन से वो गेट लाइन शॉर्ट है, ऑड इवन के साथ VGL नहीं तो CK भी लाइन कोई शॉर्ट है, उनके वजह से ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी ये राइट साइड में जो टेस्ट पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है ये टाइम कंट्रोल बोर्ड पे, लेफ्ट साइड में इस एरिया पे आ रहा है सभी वोल्टेज। हम इस एरिया पे टैपिंग करेंगे तो VGL को मेनली ब्लॉक करना पड़ेगा और ऑड इवन को ब्लॉक करना पड़ेगा इस साइड में। एक बार नीचे किस साइड से देखेंगे तो आपको ट्रैक देखने से मालूम पड़ जाएगा, और कन्फर्म करने के लिए इसे ट्रैक नहीं देखने से मीटर से आप कंटिन्यूटी टेस्ट करके कन्फर्म कर सकते हैं। ये देखिए लो ओम्स बता रहा है, ये देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है। ये भी देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है। किसी एक साइड का CKB लाइन मिल जाने से दूसरी साइड पे निकलने के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से निकल जाता है। अभी यहाँ पे हम टैपिंग करेंगे, फिलहाल मेरे पास टैप तो नहीं है, अभी इसी से चेक करके देखते हैं। अभी ऑन करके देखेंगे, सेट ऑन हो गया है। ये ऑड इवन पे देखिए अभी कम तो बन रहा है, लेकिन VGL देख लेते हैं। ये VGL देखिए पूरी स्टेबल है, मतलब 5.1 था उस टाइम, अभी 5 वोल्ट हो गया है, 0.1 वोल्ट कम हो गया, लेकिन अभी जो वोल्टेज आ रहा है स्टेबल है। CKV लाइन का वोल्टेज भी अभी स्टेबल है, एक बार देख लेते हैं। इससे तो वीडियो सिग्नल नहीं देने से मालूम नहीं पड़ेगा प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर भी सही लग रहा है। वीडियो सिग्नल लगा के एक बार ऑन करके देखेंगे। मैंने टीवी पर वीडियो सिग्नल देके देखा तो पिक्चर क्लियर हो गया, जो पहले प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हट गया, लेकिन जो टैप था पहले छोटी सी एरिया पर लगाया था जो CKV लाइन्स को सिर्फ ब्लॉक किया था, मैंने बाद में ये टैप जो है पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया, मतलब ये जो गेट लाइन्स है पूरे और इवन VGL के साथ सभी पिन को इस साइड में ब्लॉक कर दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो FFC केबल है उसी FFC केबल से ऑलरेडी ये सभी वोल्टेज जा रहा है TFT में। इस FFC केबल में ब्लॉक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये सभी गेट लाइन्स ब्लॉक करने का मकसद यही है, क्योंकि मान लीजिए आज और इवन और जो टेस्ट पॉइंट है उस टेस्ट पॉइंट तक मैंने ब्लॉक करके रख दिया, कुछ दिन के बाद ये और टेस्ट पॉइंट फिर दोबारा VGL के साथ शॉर्ट हो जाएगा तो दोबारा ये प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए अगली बार ये काम करना चाहिए।
ये टेप वहाँ तक लगाना सही है जहाँ तक लगाने से आपको पिक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने इन प्रोसेस को यूज़ करके ही काम करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं तो अपना जो सिस्टम है उसी पे काम कीजिए। अभी एक बार ऑन करके वीडियो सिग्नल देके देखेंगे। देखिए जो पिक्चर जो है पूरा क्लियर हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है अभी। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था।